मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। बोलो बोलो। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी। बोलो हाजिरी रोज। दो मिनट के लिए बैठ जाए, मुझे भी जाना है। मिलती है तनख्वाह जो तुमसे, मिलती है तनख्वाह जो तुमसे, मैं परिवार चलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी। बोलो बोलो। हाजिरी रोज लगाता हूँ। मुझसे लायक मुझसे काबिल सेवा को है तरस रहे, मुझसे लायक मुझसे काबिल। बोलो। सेवा को तेरी तरस रहे। हम कुछ भी नहीं है साईं, हमसे अच्छे अच्छे गाने वाले इस दुनिया में। मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात आपको। पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो साईं के दरबार की चौखट हम दोनों भाइयों को नसीब हुई है, इसलिए मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमसे लायक हमसे काबिल सेवा को गए तरस रहे, हमसे लायक। बोलो। हमसे काबिल सेवा को तेरी तरस रहे, मुझ ना लायक में क्या देखा सोच के नैना बरस रहे, मुझ ना लायक में क्या देखा सोच के नैना बरस रहे, लीला शाकी करना सबको मैं बतलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता। मैं ना जानू, किसी को नहीं पता किसका जीवन कितनी देर का है, इसलिए ये बात मैं कह के जा रहा हूँ। एसआई, मैं ना जानू तू ही जाने कितना मेरा जीवन है। बोलो। ना जानो तू ही जाने कितना मेरा जीवन है। देखो साईं को सब पता था। साईं का जब अंत समय नजदीक आया तो साईं ने यहीं पर रहने वाले एक शख्स के हाथ में 10,000 रुपए की गड्डी दी और उस गड्डी को देने के बाद क्या बोले कि बोले इस पूरे एरिया में लाइट लगा दो। यहाँ के उस भक्त ने कहा अरे साईं यहाँ पर आप आते जाते नहीं हो, ज्यादातर आप पालनपुर नैनीताल उधर ही रहते हो, तो फिर इधर लाइट लगाने की क्या जरूरत है। बोले मैं इधर ही आ रहा हूँ और देखिए इधर ही आ रहा हूँ। साईं की जुबान से जो निकली हुई वाणी है वो अटल सत्य है, वो कभी खाली नहीं जाती और इसके दरबार में जो हाजिरी लगाता है ना उसकी हाजिरी जरूर कबूल होती है, इतना सच्चा दरबार है। तब जाके मैं कहता हूँ